खा लो 6,000 रुपए की। मैडम ने गाड़ी उतारा? हाँ। सच बोल रहे हो? मैडम ने गाड़ी उतारा, मेरे को सिखाया गया, फिर मैंने उतारा। मैं गाड़ी भी लेके जाने वाली थी। गाड़ी ऊपर पहुंच से अंदर। ये छोटे छोटे माले की बिल्डिंग है, यहाँ मिलते होंगे सस्ते 2 BHK। क्या हो गया? ये देखो छोटे रहते हैं लेकिन इतने भी छोटे। अब देख के आए क्या? देख के आए कल। इधर इधर नहीं, सारा देख लिया यहाँ पे। साले 2 BHK बोलते हैं वो, अपने घर का हॉल उतने में 2 BHK निकाल दिया, ऐसा है वो। तो आज फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था। पूछो क्या? पता है मुझे तो, तुम बताओ लोगों को, मुझे तो सब पता है। ऑफिस जाने का? नहीं, 2 दिन छुट्टी थी, आज तीसरा दिन है। ऑफिस जाने का नहीं गाइस, आज और कल शादी में जाना है, तो हम उसके लिए एक्साइटेड है। हाँ शादी तो अच्छी है वो, तो हाँ ये तो मैं भूल ही गया है। गाइज हम लोग जा रहे हैं शादी में फर्स्ट। और जो महिलाओं और लड़कियों का फेवरेट डायलॉग कि मेरे पास पहनने के लिए तो कुछ है नहीं, तो जाके चाहे कितने भी कपड़े हो लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए। दिवाली पे कुछ लिया ही नहीं, दिवाली पे मैंने कुछ लिया ही नहीं। भाई ये डायलॉग अगली 1 साल तक सुनना है मेरे को। सोचो मेरे दिल पे क्या बीतरी होगी। आज के दिन से 10 रुपए डेली गुल्लक में डालो, 365 दिन जो भी होते हैं, तो आपको 3,600 रुपए मिल जाएंगे, उतने में कपड़े दिला दो। नहीं भाई MG एक्टर ने धोखा दे दिया, वो बेचारा जो बैठ के जा रहा था ना आदमी, उसके साथ में वो उसको धक्का मार रहा है। लव याद रखना, जिस दिन गाड़ी बंद हुई ना तुमसे धक्का दिलवाऊंगा इसके अंदर। एंड यू टू। मैं तो कभी ना धक्का मारू इंसल्ट और हो जाएगी। जैसे रोड में बंद हो गई, अब जब तक चालू है तब तक बैठ के जाओगे, और जिस दिन बंद हो गई उस दिन कुछ नहीं है, ये कैसा लॉजिक हुआ? तो आप मारो ना, मैं इधर बैठ जाऊंगी धक्का। चल गई तुमसे, अंडर एस्टिमेट तो करना मत, कहीं ऐसे नहीं अगली दिवाली पे मैं तुमको बैठा के ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरा दिमाग सरक गया ना तो पैसे मुंह पे मारूंगी, कार सीख के आ जाऊंगी। देखना दिमाग तो सरका हुआ ही। और कितना सरकाओगे, मतलब सरक सरक के यहाँ से निकल गया है वो, यहाँ कुछ नहीं है भाई। इतने लंबे हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है बचो। किससे बचो? लड्डू है खाए जो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो भाई सबसे बेस्ट लॉजिक है उस दिन जाके कुछ बर्फी वर्फी खा लो 6,000 रुपए की। 6,000 की बर्फी? ये डायलॉग है? 6,000 की मतलब? नहीं देखो, जिसको समझ आया वो ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो जाने दो। बर्फी ये क्या है, मेरे को समझा नहीं, समझ गई मैं, बदतमीज। उसको बर्फी और मेरे को लड्डू। लो लो लो। तो वो लड्डू ना वो यहाँ फंस जाता है साला यहाँ, तो वो अंदर भी नहीं जा रहा है, वो बाहर भी नहीं आ रहा, ऐसे सिचुएशन में हो जाते हो। अगर जैसे कैमरा को हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वो कैमरे को ऐसे प्रटेंड कर रहे जैसे 2-3 चार। अब मैं असलियत बता रही हूँ, जब ये कैमरा सामने रहता है ना तो ये सोचते हैं कि अरे अच्छे से टाइम जा रहा है, जैसे ही ये बंद होगा बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसी चीज बोलते हो है कैमरे में अच्छा दिखाते हो, और वैसे ये है ये एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि बैक में ना लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में बैक में थोड़ा सा एक एयर पॉकेट जैसा बन गया है, तो मेरे को ना ये साइड में झुका ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, मतलब हालत ख़राब हो रखी है। तो घर जाता हूँ पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करता हूँ, थोड़ा रावी को अपने ऊपर चढ़ा के और मसाज टाइप लेता हूँ ताकि थोड़ा रिलैक्स्ड हो, फिर जाऊँगा कुछ खरीदने और फिर हम निकल जाएंगे फंक्शन के लिए।
After a long, 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 long time, we are finally going out. बाहर जा रहे finally. तो पापा का पैसा खर्च नहीं होगा, पूछो क्यों? क्योंकि हम फंक्शन में जा रहे हैं. मैं होता है ये करना बहुत जरूरी रहता है. वेरी जरूरी. जूते देखो. जूते देखने के लिए ऐसे बोलो ना. दिख नहीं रही क्योंकि ना मैंने ये हील्स आज तक नहीं पहनी है. मैं जो भी ड्रेस का कॉम्बिनेशन ट्राई करूँ ना वो एकदम घटिया होता है और उसके साथ मैच नहीं होता है. सूज तेरा एक्सेंट बिहारी कैसे हो गया? सूज सूज शूज. हाँ शूज को मैंने सूजी का लोगो बना दिया. ओ भाई बहुत गाड़ी पापा इधर लेके आएंगे. अरे भाई मेरे हील्स जुगाड़ पे लगा दिया. लगा दिया जुगाड़ पे? पैसे का है वो जुगाड़ है. ठीक है हम लोगों ने एक बॉटल मैंने आजकल वाटर बॉटल को बॉटल पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ. ये डेली कुछ नहीं निकलता, बहुत दिक्कत होती है डेली व्लॉग ढूंढने को भाई, है ना? दांत टूट गया तो मैं रो रहा होता. ठीक है आज इसकी मम्मी नहीं जा रही. गाइस एक चीज अच्छी हो गई. ये अच्छी हो गई मम्मी नहीं जा रही अच्छी हो गई. अरे नहीं मैं बताऊंगा. मैं कुछ और कह रहा था. हाँ मैं ये कह रहा था कि आज मंडे है तो हमारा हुआ ये था कि सैटरडे को हमारा एक एक्स्ट्रा स्कूल था तो मैं गया क्योंकि मेरे को कंटाला आ रहा था. तो मंडे का रिप्लेसमेंट सैटरडे को रहा था. देखो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है. ये है लापरवाही का नतीजा. प्रोनाउंसिएशन में पढ़ाई क्या करेगी? क्यों प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा है, पढ़ाई कैसे नहीं करेगी? कुछ हद हो गई. टकला करा क्या होगा आज? मैं टकला गाइस मैंने आज एक गोल्ड की नो फ्लेक्सिंग मेरे को मेरे बचपन से एक छोटा सा शौक था कि मेरे को ये पहननी है. तेरे बॉयकट करवाऊंगा ऐसे हेयर स्टाइल ऐसे मेरे जैसे कराऊंगा तेरे. आई जस्ट ट्राई इट आउट. मैं छोटे में कितना गंदा लगता हूँ बॉयकट में कैसे लगूं? तू ऐसे कौन सा अच्छा लगता है? You are going to regret it. Wait, मेरे मन में बहुत अच्छा था प्लान चल रहा है. Oh my God, I look so. मैं बैकअप का सोच रहा था. बैकअप मींस कोई वो इनके ऊपर वो. Guys, एक मिनट मेरा लुक अधूरा है. आपको तो हमेशा रहता है. Oh, oh, oh. अभी ठीक है. कहाँ लगा? मस्ती तो ना. गाइस अगर इन्होंने बीच में पादा ना सु क्या क्या बोली तू? अरे बेटा बुरा सेंट. देखो गाइस अगर पापा ने बीच में पादा ना तो दैट इज नॉर्मल. पादा फार्ट आई डोंट फार्ट. पता कई बार ना राव ही कर देती है. झूठे नहीं हंसती नहीं फिर है पापा मेरे पापा. फिर पता है मजे की बात हंस रही होगी ओरियो. अरे ओरियो पर मम्मी नहीं बेटे तू. दिस ब्रो डजंट इवन गिव अटेंशन. दिस ब्रो तेरा पापा है. दिस ब्रो हिसाब से तेरी हरकत है ना तू मेरे को बाद में ना उसमें डाल देगी ओल्ड एज होम में. अब क्या फ्यूचर रीड कर सकते हो?
गई।